हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, इन सब में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैंने एक जगह ही आपको प्रिपरेशन कराने के लिए ये चैनल बनाया है। तो कीप इन टच, सब्सक्राइब कर लें। वेलकम एवरीवन, कम टू टॉपिक वर्ब और एनी एक्शन। वर्ब क्या है? कोई एक्शन, जो कोई क्रिया अगर हो रही, वर्ब शोज एन एक्शन। वर्ब क्या शो करता है? किसी एक्शन को शो करता है। थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स, इंट्रांसिटिव वर्ब्स या ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें क्रिया के साथ कर्म लगा हो, यानी ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा हो। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जैसे कि राम इग्नोर्ड सीता, तो इसमें राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, मेन हो गया, जो कि काम कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। किसको कर रहा है? सीता को कर रहा है। तो किसके ऊपर एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? सीता। तो सीता जो हो गया, जो भी कोई एक्शन रिसीव करता है काम का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जो जो एक्शन करता है वो हो गया आपका सब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट लगा हो और वर्ब हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। इन ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जिन क्रिया में वर्ब के साथ, यानी वर्ब के साथ, नॉट विद कर्म, कर्म नहीं लगा होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, उनको बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ऑक्सिलरी तीसरा आपकी कैटेगरी है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स भी। कुछ लोग इसमें मॉडल वर्ब्स नहीं जोड़ते हैं तो 24 बोल देंगे, लेकिन अगर मॉडल वर्ब भी अगर आप इसमें जोड़ दें तो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपके बन जाते हैं 27। मैं आपको 27 पूरे करवाऊंगी। नाउ क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब्स? बाय आस्किंग क्वेश्चन, बाय, हुम, व्हाट। अगर कोई भी सेंटेंस है और इन तीनों के क्वेश्चन के आपको जवाब मिल रहे हैं तो इसका मतलब उसमें ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। तीन एग्जांपल मैंने दिए। एग्जांपल, राम रीड्स अ बुक। राम जो है बुक पढ़ रहा है। ठीक है, राम बुक रीड्स अ बुक, तो इसमें क्या हो गया? रीड तो आपकी जो है ये कौन सी हो गई? राम रीड्स। अगर केवल राम रीड्स होता तो क्या होता? इनट्रांसिटिव हो जाता। लेकिन राम रीड्स अ बुक, ऑब्जेक्ट है आपके पास, ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है। यानी रीडिंग भी हो रही है। किसकी रीडिंग हो रही है? बुक की रीडिंग हो रही थी। ये कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, राम लाफ्स, राम लाफ, राम हंस रहा है, लेकिन राम किसके ऊपर हंस रहा है ये नहीं पता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? इनट्रांसिटिव वर्ब हो गया। सत्यम कुमार रीड्स, अब यहाँ पर सत्यम कुमार रीड्स हो गया। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसिटिव इनट्रांसिटिव की पहचान कर्म के आधार पर ही नहीं होती, ऑब्जेक्ट के आधार पर ही नहीं होती। हो सकता है कई बार कर्म नहीं भी होता है तो भी उसे हम पहचानते हैं। कैसे? जैसे मैंने वही क्वेश्चन लगा के, अगर आपको क्रिया में क्या, किसे, किसको लगाकर अगर आप क्वेश्चन करें और उसका पॉजिटिव आंसर आपको मिल जाता है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब ही समझना चाहिए। जैसे सत्यम कुमार रीड्स, तो अगर आप सत्यम कुमार रीड्स हैं तो इसमें क्या क्या रीड कर रहा है? क्या रीड करेगा? बुक ही रीड करेगा। हुम, कौन रीड कर रहा है? सत्यम कुमार, है ना। वाई, तो इसमें आपको वॉट का आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांसिटिव। तो पहला आंसर आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, दूसरा आपका इंट्रांसिटिव है, तीसरा आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। पांच फॉर्म्स हैं वर्ब की, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 में आपका प्रेजेंट टेंस यूज होता है, जैसे कि गो हो गया। V2 में आपका पास्ट सिंपल यूज किया जाता है, जैसे वेंट हो गया। V3 में आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है, जैसे गॉन। तो ये आपकी ये V1, V2, V3, गो, वेंट, गॉन, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मेन वर्ब। इसके बाद आपका ING फॉर्म होता है वर्ब का, वो वर्ब 4 हो गया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई गोइंग, ING फॉर्म। और वर्ब 5 जो है आपका नंबर हो गया गोज, SES फॉर्म हो गया। ठीक है, नाउ वी कैन फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, से भी हम लोग वर्ब बना सकते हैं। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया है। जैसे कि कलेक्शन है, नाउन है, इसका वर्ब क्या हो गया? कलेक्ट। बिहेवियर नाउन है, इसका वर्ब क्या बन जाएगा? बिहेव। नाउन क्लीनलीनेस नाउन है, इसका वर्ब क्या बन जाएगा? क्लीन। स्पीच एक नाउन है और इसका वर्ब क्या बन जाएगा? स्पीक, बोलना। अब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लें, ये एरर डिटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब को हमेशा एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, नंबर में, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन। ठीक है, यानी इन अ सेंटेंस द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट और वर्ब
इज यूज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर. और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, नथिंग बट नाउन एंड प्रोनाउन. नथिंग बट नाउन एंड प्रोनाउन, ये कुछ नहीं नाउन या प्रोनाउन है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. देखिए, नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वर्ब ही बनाता है. ठीक है, जैसे लीसा इग्नोर्ड सीता, ये है हमारा सेंटेंस. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, लीसा ने इग्नोर किया. तो कार्य कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, हु डज वर्क, सब्जेक्ट लीसा कि इग्नोर कर रहा है, दिस इज द क्रिया, है ना, ये एक्शन हो रहा है. तो ये वर्ब हो गया आपका सीता. सीता किसके ऊपर, कौन एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, किसको फर्क पड़ रहा है, वो हो गया सीता यानी ऑब्जेक्ट. ही, अब ये क्या हो गया, ये नाउन हो गई. ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन को इसे वर्ब ने क्या बना दिया, नाउन या आपका नाउन ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, वर्ब बनाता है. ही इग्नोर्ड हर, ही क्या है, सब्जेक्ट, किसने, उसने उसको इग्नोर किया. ये जो है ही है, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये इग्नोर कर रहा है. इग्नोर करने की क्या है, ये क्रिया है. ठीक है, तो ये वर्ब हो गया. हर क्या है, एक वो ऑब्जेक्ट है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है. तो यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हु डज वर्क, जो काम कर रहा है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, लाइक इन लीसा एंड ही इन दिस टू एग्जांपल्स. ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हु रिसीव्स एक्शन, जैसे सीता एक्शन रिसीव करी इग्नोरेंस का, हर रिसीव जो है रिसीव करी इग्नोरेंस का. तो ये दोनों में एक्शन रिसीव कर रही है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. अब हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स. ये 27 है जो पूरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. और एरर डिटेक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है. तो सबसे पहला हमारा है डू डज डिड. इसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. जैसे कि गो, गो वेंट गॉन, है ना, तो गो इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल, ही डिड नॉट वेंट टू दिल्ली. तो ये बताइए ये सही है या नहीं, ही डिड लगा हुआ है. तो हम देखेंगे इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है. तो देखिए इसमें गो वेंट गॉन सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, यानी इसका मतलब ये क्या है, दिस इज रॉन्ग. इसका करेक्ट क्या होना चाहिए, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली. ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन. वर्ड डिड, डू, डज, डिड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. नेक्स्ट देखिए, डज अंकित प्लेड विद बॉल. तो अब देखते हैं डज लगा हुआ है, तो डज के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगी, प्लेड. तो प्लेड होना चाहिए, नहीं, ये पास्ट में नहीं होना चाहिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, प्ले विद बॉल. देन कम टू डू वी हेल्प द पुअर. तो डू के साथ क्या लगा होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होनी चाहिए. दिस इज रॉन्ग वन, ये गलत है. करेक्ट इज वी हेल्प द पुअर. डू वी हेल्प द पुअर. अब हम लोग सेकंड आ जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. इसमें हम लोग देख लेते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड. ये आपने चार देख लिए, यानी टोटल हो गए आपके 8. इन सब में कौन सी फॉर्म लगेगी, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. और भी हैं, उनके साथ क्या लगे, जैसे ऑट टू, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू. नीड टू या नीड, यूज टू, ये चारों, ऑट टू, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ये 5 हो गए, प्लस ये 8, ये सारे के सारों के साथ क्या लगेगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी कैन वॉक्ड स्लोली. तो देखिए कैन लगा हुआ है, मॉडल वर्ब कौन सा लगा है, कैन. तो कैन के साथ हम देखते हैं कौन सा फॉर्म लगा है वर्ब का, वॉक्ड. तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, नहीं, दिस इज रॉन्ग. शी कैन वॉक स्लोली, दिस इज द करेक्ट वन. और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आई यूज टू गॉन, मतलब मैं वहां जाता रहता हूं, ये बन नहीं रहा. मॉडल वर्ब के साथ गॉन नहीं होगा, यूज टू एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, जैसे कि जिनमें सेम रहते हैं, जैसे रीड, रेड, रेड, कट, 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 ये तीनों ही फॉर्म में कट ही रहता है. शट, 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 ये तीनों फॉर्म में एक ही जैसा रहता है, शटेड नहीं होता है, कटेड नहीं होता है. कास्ट, 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 कास्ट ही होता है, कास्टेड नहीं होता है. ब्रॉडकास्ट, 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 ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्रॉडकास्ट वाला आ चुका है. ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़े हुए हैं सभी ने, जैसे कि फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, इस तरीके से आपने करा हुआ है. फॉल फेल फॉलन ब्लो ब्लू ब्लोन, है ना, ये आपने करा हुआ है. लेकिन ये कैसे है, ये जो तीनों फॉर्म में सेम रहते हैं इनका ज्यादा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ कम टू एग्जाम्पल, आई कटेड द केक. आई कटेड द केक नहीं होगा, आई कट द केक होगा, ठीक है. नाउ कम टू थर्ड. थर्ड आपको मैं बता दूं, हैज हैव हैड. ये जो हैज हैव हैड ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने फर्स्ट फॉर्म करा है, अब कौन सा है, थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, गो. हमेशा एक एग्जाम्पल से याद रखो, गो वेंट गॉन वाली, ठीक है. ही हैड रैन अवे, ही हैड रैन अवे. हम जानते हैं रन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रन रैन रन, है ना, रन रैन रन होती है, याद है ना. यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी रन ही होती है, यानी ये रॉन्ग है. ही हैड रन होगा, यहां पर ये रन वर्ब की थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. ही हैड रन अवे, तो दिस इज द करेक्ट. इसी तरीके का वो दे देंगे, ही हैड रोट अ लेटर, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि हैड के साथ हम लोग राइट रोट रिटन, रिटन इज द वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म है. तो ही हैड रिटन अ लेटर. Now come to next example. The news had broadcasted on TV. तो ये बताइए, ये सही है या गलत है. ये गलत है क्योंकि broadcasted नहीं होता. Broadcast हमेशा तीनों form में ही broadcast रहता है, अभी मैंने आपको बताया. तो news had broadcast on TV, इस तरीके का बहुत सारे competitive exams में पूछ चुके हैं. Now come to number 4. Being के साथ हमेशा क्या लगता है, verb की third form. Verb की third form किस example से याद रखेंगे, go went gone, gone से. जैसे कि a letter being right by him, तो यहां पर being right नहीं होगा, this is wrong. Correct answer क्या होगा, a letter being written by him. Verb की third, right, wrote, written. Written is verb की third form, ठीक है. Right जो है वो first form है. अब fifth देखते हैं, इज एम आर, वॉज वर आर, ये आपकी हो गई. इज एम आर पढ़ा हुआ है आपने, वॉज वर आर, ठीक है. तो वॉज वर आर इसमें देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से हैं. वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, यानी आईएनजी फॉर्म इसमें लगेगा. ही इज गॉन टू दिल्ली, तो इज के साथ गॉन नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है. ही इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है. तो ये हो गया. अब देखते हैं बी बीन के साथ. बी बीन के साथ हमेशा वर्ब की फोर फॉर्म यानी आईएनजी ही लगेगा. जैसे राम विल हैव बीन प्लेड फॉर टू डेज, तो इसमें क्या होगा, हैव बीन, बीन के साथ हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी. बीन के साथ हमेशा क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म. राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर टू डेज, ठीक है. ही विल बी डूइंग दिस वर्क, बी के साथ क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म. तो ये करेक्ट है, ये वाला जो फॉर्म है वो करेक्ट है. बी के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है. इस तरीके के जो आपके हैं ये मॉडल वर्ब्स मैंने आपको लगा दिए. देखिए आप काउंट कर लें तो पूरे के पूरे आपको 27 ही मिलेंगे. मैंने सारी 27 आपको एक्सप्लेन कर दी है. होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन एग्जाम्पल्स से. तो मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स करवाऊंगी और आपको जो है पूरा रिवाइज कराऊंगी आगे का भी. तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम.